जल जीवन मिशन में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी सड़कें उसमें खोदी गई हैं, इसका निर्माण करना संबंधित कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था यानी उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की जिम्मेदारी है। यह उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और मुझे लगता है कि लग करके इस कार्य को करवाना चाहिए। दूसरा, इस योजना को सस्टेनेबल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कार्यदायी संस्था 10 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएगी। यह उस प्रोजेक्ट का पार्ट है और उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। मैं आपको सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, तात्कालिक रूप से सड़कें खुदी होंगी, क्योंकि उसकी क्वालिटी की जांच को लेकर के, अन्य मुद्दों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन यह योजना समय से आगे बढ़ेगी, देश के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली योजनाओं में से योजना है और मुझे लगता है कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ा करके प्रदेश की प्यास को बुझाएंगे ही, लेकिन साथ साथ इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे कि लंबे समय तक, 10 वर्ष तक तो मिनिमम है, लेकिन इसको हम एक लंबे समय तक, आप देखते होंगे पहले पाइपलाइन बिछती थी 25-30 वर्षों तक पाइपलाइन चलती थी, हम इसको उसी क्रम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो शुद्ध पेयजल के भाव के कारण होती हैं। अगर हम एक बार इसको करने में सफल हो गए तो लोगों के जो बीमारी का खर्चा है इसको कम करने में हमें मदद मिलेगी।